हिंदू राष्ट्र में बनाए हाँ। और हिंदू राष्ट्र हाँ। की जो बात भाषा बोलने वाले हाँ। देश के गद्दार हैं। अब देखो नोटों पे तो आप बड़ा स्माइल करते हो हाँ। ये देखो अब तो रोन का गेम है, स्माइल करने का गेम है। अब रोने वाली फोटो लगाएंगे खिंचवा लिया आपने। आंदोलन ऐसे किए भूख हड़ताल पे रहे बापू जी हमारे, बापू की उपाधि मिली है महात्मा गांधी को, और उसके बाद तब जाके जो है वो भारत की करेंसी के ऊपर उनकी फोटो आई है मुस्कुराते हुए, और लोग कहते भी हैं कि बापू जेब में है तो सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन बापू एक बात बताइए, 2000 के नोट बंद कर दिए कल, पीछे भी बंद करा था हाँ 2016 में हाँ, 16 नोटबंदी पहले भी करी थी, जनता परेशान हुई थी हाँ। ये तो मन मर्जी का काम है हाँ। ये सांस भी बंद कर देगा जनता का हाँ। जो सांस ले रहा है ना हाँ। इसको बंद करने की सोच रहा है, कोई नियम आ गया जहाँ 5000 है हाँ। अबे जनता का सांस कैसे बंद हाँ। किया जाए, नोट बंद करना तो मामूली बात है, अब ये जनता का सांस भी बंद करने जा रहा है, जनता की जबान बंद करना चाहता, अब ये अपने खिलाफ जो झूठा और पाखंडी अब सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबित होया, इसने झूठ के सारे जनता को गुमराह किया, अब लोग बन गए क्या चश्मे को क्या हुआ है? ये टूट गया जीबा, एक चश्मा आया, एक अंधा हो गया, मोदी ले गया एक शीशा, एक शीशा मोदी ले गया, जापान ठीक करवाने गया, ओ जापान गया है 2 दिन के लिए, दो दिन बाद आएगा, मतलब 2 दिन तक ऐसे रहोगे बिना चश्मा रहे, ये है ना शीशा बदमा के ले गया यहाँ, वो मेरे चश्मा के ले गया, वो लेके आएगा क्या बोल के गए हैं? हाँ। मैं नोट तो सब बंद कर दिया हाँ। अभी जनता का सांस कैसे बंद हुए हाँ। उसका कोई नियम ले हुए। अच्छा बापू देखो नोटों पे तो आप बड़ा स्माइल करते हो हाँ। ये देखो अब तो रोन का गेम है, स्माइल करने का गेम, रोने वाली फोटो लगाएंगे खिंचवा लिया आपने, खींच लिया, रो रहा है ये बेटियां, रो रही है तो मैं भी रो रहा हूँ, जब देश की बेटी सम्मान लाने मेडल जंतर मंतर पर रो दिए तो मैं कौन सा हाँ। अब देश में व्यवस्था देख लो कैसे, बापू मैंने पिछली बार भी बोला था कि डंडा लाठी हाथ में ले लो, चरखा हाँ। शुरू कर दो यहाँ पे, चरखा तो काम नहीं है, लाठी हाँ। तो लेनी पड़ेगी, लाठी हाँ। लाठी बिना काम नहीं चलेगा हाँ। मैं माइट इजराइल से हाँ। इस देश में हाँ। जिसकी लाठी उसकी बैल हाँ। अब ये लाठी मेरे पास नहीं है, मोदी के पास है, अब वोट हम दे दिए और उसके पास है, अब उसका पावर जब हम वोट की चोट से उसको नीचे घसीट के लाएंगे, अब जनता मंत्र पर जनता जाएगी जब उसका सारा सब कुछ सर जाएगा। आप तो सत्याग्रह कर रखा है, खाना खाना खाया है? नहीं सत्याग्रह तो किया है, अब मैं एक दांडी यात्रा शुरू करने वाला, दांडी यात्रा जो नमक के लिए करी थी उस वक्त में आपने, तो अब ये दांडी यात्रा कहाँ तक जाएगी? मैं यहाँ जंतर मंत्र से रुकूंगा, कश्मीर से और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जहाँ तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देख ली मुझे लग रहा है। ना 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 राहुल गांधी की नहीं, मैं कोई माननीय नहीं बन रहा, कोई प्रधानमंत्री नहीं बन रहा, मैं इस देश में व्यवस्था जो ये लाला जाता है ना मनुवादी व्यवस्था उसके खिलाफ हूँ, ये धर्म निरपेक्ष देश है। लगता है कि इतनी जान बची है आपके शरीर में, मोदी से पंगा ले रहे हो? नहीं पंगा नहीं, मैं तो गांधी यात्रा जनता को जगा रहे, मोदी को छोड़ मोदी चल पाओगे? इतना गर्मी कितना हो रहा है? मैंने बड़े संघर्ष किया, जीवन मेरा संघर्ष रहा, मतलब जीवन मेरा संघर्ष रहा, मैं इस बात से नहीं घबरा रहा, मैंने बड़ी बड़ी पद यात्रा शुरू की, मैंने आंदोलन में जन चेतना पद यात्रा शुरू की, अब लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने लोगों को लगाया काम कर, तो मैंने कई पद यात्रा भी शुरू की, अन्याय जुलूम के खिलाफ। अभी दांडी यात्रा कब से शुरू हो रही है? अब देखो अभी ये पंचायत का पहला क्या कल है हाँ। इसके बाद में विचार करके हम इसकी योजना बनाए। अच्छा आप अकेले चलेंगे, आपके साथ कुछ लोग चल रहे हैं? देखो इंसान आया तो अकेला है, जा भी अकेला है, अब मेरा इस कार्रवाई को जनता को मेरा समर्थन मिलेगा तो साथ, अब मोदी की लाल ढोंग लगेगा तो अपने घर में रह जाएंगे, मेरा कारवा जब चलेगा तो उसके साथ जिन लोगों ने चलना हो मैंने चलना ही है, और कोई गोड से मिल गया रास्ते में फिर कोई भाग नहीं, अपनी छाती उगाड़ी है जी, अपनी छाती उगाड़ी है तो अपनी इच्छा पूरी कर लेगा, अगर मेरे मारने से इस देश का भला होता है, गांधी मारने से देश का भला हो गया,
तो मेरे मानने भला होता बंटवारा क्यों करवाया था बंटवारा बंटवारा तो हो गए देश का एकता बढ़ाई थी बापू ने ऐसी बात नहीं है बाबा साहब और उनके विचार अलग अलग थे लेकिन देश को धर्म ने नाम पे इसको संचित रखा इनकी विचारधारा से सहमत हुए भाई देश को हम और बंटवारा ले वो बंटवारा जी जिले जीना माना नहीं जीना ने पहले आजादी पहले बोल भाई पाकिस्तान देश तो जीना ने पहले जब नहीं माना बोल भाई हम देश की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे लेकिन भाई मारा हक पहले दो हम तुम्हारे साथ नहीं लेंगे जीना ने पाकिस्तान मांग लिया बाबा साहब ने भी अस्तित्वता की मांग कर दी बोलो भाई मैं अंग्रेजों से पीड़ित नहीं हूँ मैं मेरे मनवादियों से पीड़ित हूँ जिन जिन लोगों ने मैं मेरे समाज को अन्याय जुलम शिक्षा के अधिकारों से वंचित रखा तो हमारे अछूत कमी नीच बढ़ाया जहाँ मंदिरों में कुत्ते बिल्ली बढ़ सकते हमें अधिकार नहीं जोड़ों तलाव में कुत्ते बिल्ली पालती गले में हंडी पीछे झाड़ू ये अन्याय अंग्रेजों ने किया गांधी जी आपने किया तो गांधी जी ने नर्मदा जेल में अनशन पर बैठ गए तो बाबा साहब ने गांधी जी की जान बचाने के लिए पूना पैक्ट पर समझौता किया समझौता किया। गांधी जी मैं आपकी जान जरूर बचाऊंगा लेकिन गोड से तो कोई और ही कहानी सुनाता है गोड से कहता है कि गोड से तो मैं गोड से तो आरएसएस का था गोड से आरएसएस का था गोड से आज तक एग्जिस्ट वो तो भी तैयार हो आप मतलब आप तैयार हैं दंडी यात्रा करेंगे नहीं आप यहाँ भी आ रहे हैं आप आने को बैठे हैं जान जानी है जाएगी कि दिन मौत आनी है आएगी क्या बात है राजेश क्या बात है बापू जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना देखिए जावा नहीं खुलवाएंगे हम बापू मैं इसको ये कहना चाहता हूँ ये देश है ये हिंदू राष्ट्र है इसको ये देश है धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है इसे हिंदू राष्ट्र न बोला है और हिंदू राष्ट्र की जो बात भाषा बोलने वाले देश के गद्दार हैं इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के बाबा साहब का दिया हुआ संविधान को माने संविधान के मानने वाले ये देश गीता और कुरान से नहीं चले गए संविधान सक्रिय इंडिया डेमोक्रेसी दी लार्जेस्ट इलाहाबाद अब भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे भाग अच्छा दुनिया मानती है बापू अब कौन से वाले नोट पे आएंगे 5000 वाले पे अब तो देखो जी नोट छोड़ने को न गए नोट नाम की चीज नहीं लेगा बोर्ड बोर्ड चाहिए नोट की जरूरत नहीं है अब तो उन नोटों से बोर्ड खरीदेगा क्या लगता है साजिश है मोदी की 2000 के नोट्स बंद किए यानी कि बापू को हटाना है मोदी अपनी फोटो लगाना चाहते हैं मोदी ने सिक्का शुरू कर दिया सोका सिक्का शुरू कर दिया हमने फोटो लगा दी अरे इंसान नोट पर अपने लगाएगा बाबू तो आपको दुख हो रहा है कि आपकी फोटो हट रही है मेरी नहीं है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मैं तो मेरा नाम तो शैतान जी मेरे कौन लगाएगा शैतानों की नोट पर फोटो आ जाएगी गांधी को कौन पूछेगा मैं मेरा नाम तो शैतान सिंह है लेकिन मेरे बाबू शैतान सिंह नाम क्यों रखा था मेरी माँ का मेरी माँ का रखा हुआ नाम है मुझे बहुत प्यारा नाम था शैतान हाँ जब लोग मुझे मेरे गांव में भी कोई शैतान ले मैं एक मेरे गांव में बहुत बड़ा गांव है केवल बीरबानी को कोई बच्चे का शैतान लंद सब कोई कृष्ण कोई राम कोई हनुमान वो नाम रखते थे आप शैतान शैतान कोई नहीं है केवल गांधी के वेश में शैतान लोग क्या बात है देखिए गांधी के वेश में जो एक मैडम एक और सुनिए मैं गांधी हूँ न मैं अन्ना हूँ न मैं गांधी हूँ मैं आनी हूँ आनी नहीं क्या बात है आनी नहीं तो भान हूँ मैं तो वही बची वाला शैतान हूँ गांधी नहीं मैं शैतान हूँ क्या बात है राम बची बीच महेंद्रगढ़ का रहने वाला हूँ।